हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है माँ के घर में। आज हम बनाने वाले हैं करेले का भरमा। इसके लिए मैंने छोटे साइज के करेले चुन के ले लिए हैं और इसको हम अच्छे से, मैंने इसको धो लिया है पहले। इसको ऊपर की साइड से हम हल्का कट लगाएंगे, ज़्यादा कट हमें इसमें नहीं लगाना। देखिए ऐसे हमें कट लगाना है, आधा इसका जुड़ा हुआ है पीछे की साइड से और आधा खुला हुआ है। इसी तरीके से हमें सारे करेले को कट कर लेना है। देखिए हमने सारे करेले को कट कर लिया है, अब इसको हम बॉईल करेंगे। देखिए एक बर्तन में मैंने पानी गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था, पानी में उबाल आ चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक ताकि हमारे करेले का कड़वापन निकल जाए। और इसमें हम अपना करेला डाल के और इसको 10 मिनट तक बिल्कुल हाई फ्लेम पे पकाना है ढक के। आइए अब आपको हम दिखाते हैं करेला भरमा बनाने की सामग्री। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 3 बड़े साइज के प्याज, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। और 1 बड़े साइज को के प्याज को मैंने बिल्कुल इस शेप में कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है 2.5 चम्मच लहसुन अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट। यहाँ मैंने लिया है 5 बड़े चम्मच सरसों का पेस्ट। और यहाँ पे मैंने लिया है आम का अचार। अगर आपके पास आम का अचार ना हो तो आप इसमें अमचूर पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। स्वाद के अकॉर्डिंग नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। देखिए हमारा करेला अच्छे से पक चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और सारे करेले को निकाल लेंगे एक प्लेट में। देखिए हमारा करेला थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अब हम इसके अंदर से ये सारा बीज निकाल लेंगे। देखिए मैंने सारे करेले के बीज निकाल लिए हैं। अब इस करेले के बीज को और ये जो हमने अचार रखा था, इस अचार को, दोनों को हम एक साथ ग्राइंड कर लेंगे। देखिए अचार और करेले के बीज को मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब हम करेले को फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने तेल गरम कर लिया है कढ़ाई में। अब इसमें हम एक एक करके करेला डाल देंगे और इसको हम दोनों साइड से लाइट ब्राउन फ्राई करेंगे। देखिए दोनों साइड से हमारा ये करेला लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे। देखिए हमने अपना करेला फ्राई कर लिया है। अब हम फ्राई करेंगे मसाला। जिस तेल में मैंने करेले को फ्राई किया उसी तेल में हम मसाला भी भूनेंगे। अगर आपको तेल ज़्यादा चाहिए तो इसमें आप और ऐड कर सकते हैं। इसमें पहले मैं डालूँगी तेज पत्ता, थोड़ा सा हींग, आधा स्पून जीरा और इसे हम 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। हमारा जीरा थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपना लहसुन अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट और इसे हम 1 मिनट फ्राई करेंगे अच्छे से मिक्स करके। कटा हुआ प्याज और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करके और इसे हम भूनेंगे 2 से 3 मिनट बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। देखिए हमने इसे 2 से 3 मिनट फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे पिसा हुआ प्याज, सरसों का पेस्ट, करेले का बीज और अचार। स्वाद के अकॉर्डिंग नमक, हल्दी, धनिया और लाल मिर्च पाउडर। इसे हम अच्छे से मिक्स करके
और इसे मीडियम फ्लेम पे हमें फ्राई करना है 10 से 15 मिनट। देखिए मैंने इसे 10 मिनट तक फ्राई किया है बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। इसे बीच बीच में हिलाते भी रहे ताकि नीचे से मसाला हमारा जले ना या चिपके ना। इसमें देखिए छोटे छोटे से बुलबुले निकलना स्टार्ट हो चुका है, मसाला फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 स्पून गरम मसाला। इसे अच्छे से हम मिक्स करके और बिल्कुल हाई फ्लेम पे 2 मिनट तक बिल्कुल हाथ चलाते हुए इसे फ्राई करना है, बिल्कुल हाई फ्लेम पे ऐसे ही। देखिए हमारा मसाला फ्राई हो चुका है और कितना प्यारा कलर है। अब हम गैस को बंद कर लेंगे और इसका प्लेटिंग करेंगे। अब हम करेले में इसका मसाला फिलिंग करेंगे। और ये जो मसाला है ये मैंने थोड़ा ज़्यादा बनाया है, ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसको आप चटनी के जैसे यूज कर सकते हैं, धनिया की चटनी के जैसे। देखिए ऐसे हमें भरना है, इसी प्रोसेस से हमें सारे करेले में ये मसाला भरना है। देखिए हमारा करेले का भरमा बिल्कुल तैयार है। अब आप इसको पराठे के साथ या दाल चावल के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी बना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई या नहीं। थैंक यू।